वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक सेफेस्ट कार के बारे में, जो कि है टाटा टियागो। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस गाड़ी के इन एंड आउट, कंफर्ट, इंजन, सभी चीज़ों के बारे में बात करूंगा। बात कर लेते हैं, जैसे आप इस गाड़ी को फ्रंट से देखोगे तो आपको एक स्पोर्टी फील ये गाड़ी देने वाली है। जो इसकी हेडलाइट है ये आपको हैलोजन बल्ब के साथ मिलती है, इसके बेस वेरिएंट के अंदर भी और इसके टॉप एंड वेरिएंट के अंदर भी। जो ये पर्टिकुलर वेरिएंट है ये है एक्सटी वेरिएंट, तो इसके अंदर भी आपको हैलोजन बल्ब के साथ मिलेगी। ऊपर की तरफ आपको थोड़ा सा ब्लैक कलर का यूज़ मिलेगा और नीचे की तरफ में आपको क्रोम फिनिश का यूज़ मिलेगा। जो इस जैसे आप इसका बम्पर का डिज़ाइन देखोगे तो वो भी आपको एक स्पोर्टी फील देने वाला है। जो इसके ORVMs हैं ये सिर्फ आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिलते हैं और नीचे की तरफ में आपको टर्न इंडिकेटर भी प्रोवाइड हो जाते हैं, बट ये फोल्ड आपको हाथ से ही करने पड़ेंगे। XZ वेरिएंट के अंदर क्या होगा, वहाँ पे आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड रिट्रैक्टेबल दोनों फंक्शन के साथ मिल जाते हैं। और उसके अंदर एक और फंक्शन भी आता है, जैसे आप गाड़ी को लॉक एंड जैसे लॉक करोगे तो आपके ORVM ऑटो फोल्ड हो जाएंगे, एंड अनलॉक करोगे तो आपके ORVM ऑटो ओपन हो जाएंगे। जो इसके टायर्स, जैसे टायर्स की बात कीजिए तो आपको 14 इंचेस के मिल जाते हैं। XT वेरिएंट के अंदर आपको व्हील कवर्स मिलता है, इससे ऊपर जो वेरिएंट आता है वहाँ पे आपको डायमंड कट अलॉय व्हील प्रोवाइड हो जाते हैं। अब मैं आपको इस गाड़ी का पहले सेकंड रो का कंफर्ट चेक करा देता हूँ कैसे क्या। तो पहले क्या करता हूँ, जो ड्राइवर साइड सीट है इसको अपने हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेते हैं। और जो ये पैसेंजर साइड सीट है मैं इसको ऑल द वे बैक कर देता हूँ और रेक्लाइनिंग एंगल जो है वो मतलब ओके टाइप सा मैं एडजस्ट कर देता हूँ। देन आपको इस गाड़ी का सेकंड रो का कंफर्ट मैं चेक कराता हूँ। तो इसके गाड़ी में जैसे स्टेप इन की बात कीजिए तो स्टेप इन करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे आप गाड़ी में बैठोगे तो सबसे पहले नोटिस करोगे जो व्यू है गाड़ी के अंदर से काफ़ी ज़्यादा अच्छा आ जाता है। जो नी रूम है वो आपको डिसेंट साइज का मिल जाता है, जो लेग रूम है वो भी आपको गाड़ी के अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिल जाता है, और जो हेड रूम है वो भी आपको गाड़ी के अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिल जाता है। जो हम्प है वो थोड़ा सा उठा हुआ है, तो बीच वाला पर्सन जो बैठेगा उसको थोड़ी बहुत दिक्कतें होंगी। पीछे की तरफ आपको कोई भी एयर का वेंट प्रोवाइड नहीं होता है। जो फ्रंट रो की सीट्स आती हैं उसके अंदर आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं, बट जो इससे नीचे वाला वेरिएंट आएगा वहाँ पे आपको फिक्स हेडरेस्ट मिलेंगे। पहले जो टियागो आती थी उसके XT वेरिएंट के अंदर आपको फिक्स हेडरेस्ट आते थे, बट कंपनी ने थोड़ा सा इंप्रूव करके इसके अंदर एडजस्टेबल हेडरेस्ट देने स्टार्ट कर दिए। और जो सेकंड रो की सीट है उसके अंदर आपको फिक्स ही हेडरेस्ट मिलेंगे सभी वेरिएंट्स के अंदर। अब बीच वाले पर्सन के लिए बैठने की बात की जाए तो उसको थोड़ा सा मतलब ऐसा लगेगा कि भाई हाँ ठीक है, जो कुशनिंग है वो बिल्कुल आपको इन दोनों सीट से ज़्यादा मिलती है, बट जो अंडर थाई स्पोर्ट है वो थोड़ा सा आपको कम मिलता है। और जो इस वाली सीट के नीचे जो अंडर थाई स्पोर्ट था वो आपको ठीक ठाक मिलता था, जो रेक्लाइनिंग एंगल है वो आपको गाड़ी के अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिल जाता था। अब जो ये गाड़ी सीट है ऑल द वे बैक है, ऑल द वे बैक होने के बाद भी जैसे आप नोटिस करोगे जो इसके अंदर नी रूम है वो आपको दो उंगली जितना मिल जाता है, मतलब ऑल द वे बैक होने के बाद भी आपको अच्छा खासा नी रूम मिल जाता है। लेग रूम भी आपको थोड़ा सा तो कम हुआ है ऑल द वे बैक होने के बाद, बट जो हेड रूम है गाड़ी के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिल जाता है। पीछे की तरफ बात की जाए तो आपको स्पीकर की प्लेसमेंट मिल जाती है, ट्विटर की प्लेसमेंट मिल जाती है, और हाफ लीटर बॉटल कैरी करने के लिए होल्डर मिल जाते हैं। जो ट्विटर की प्लेसमेंट आती है वो आपको टॉप एंड द लाइन वेरिएंट के अंदर आती है, XT वेरिएंट के अंदर आपको सिर्फ चार स्पीकर ही प्रोवाइड होते हैं। दो गाड़ी की बैक प्रोफाइल की बात कीजिए, जैसे इसको पुरानी टियागो से कंपेयर करें तो इसके अंदर जो चेंज है वो सिर्फ इसके बम्पर के अंदर दिया गया है, बट जो लुक्स है गाड़ी के अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिल जाती है। जो इसकी टेल लाइट है वो आपको हैलोजन बल्ब के साथ मिलती है, और जो इसका बूट स्पेस है वो आपको 245 लीटर्स का मिलता है, और बूट को एक्सेस करने के लिए आपको आगे की तरफ लीवर प्रोवाइड है। और जैसे ये वाला पार्ट देखोगे आप इसका टॉप एंड वेरिएंट को जैसे आप इसका टॉप एंड वेरिएंट लेते हो यहाँ पे आपको कैमरे की प्लेसमेंट मिल जाती है, टियागो की बैजिंग एंड टाटा की बैजिंग। इसके अंदर अब इस वेरिएंट के अंदर आपको कोई पार्शियल ट्रे नहीं मिलती है, बट जैसे इससे ऊपर वाला जो वेरिएंट आता है उसके अंदर आपको पार्शियल ट्रे अवेलेबल हो जाती है। और जो इसका स्पेयर व्हील है वो आपको R13 इंच का मिलता है, जैसे इसके साइड वाले जो टायर जो बाकी जो टायर्स थे वो आपको R14 के मिलते हैं, तो यहाँ पर थोड़ी सी आपको कॉस्ट कटिंग देखने को मिलेगी। गाड़ी के फर्स्ट रो की कंफर्ट की बात की जाए तो सबसे पहले बात आती है गाड़ी में स्टेप इन की, तो स्टेप इन करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और जो इसका स्टेयरिंग व्हील है वो सिर्फ आपको टिल्ट मिलता है, बट टेलीस्कोपिंग नहीं मिलता है, मैंने बिल्कुल ऊपर कर दिया है। देन इसके बाद जो
जो ये वाला गैप बचा स्टेयरिंग व्हील के और जो थाई के बीच में गैप है वो आपको ठीक ठाक गैप मिल जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ज़्यादा कम फील होगा। और जो लेग रूम है वो आपको थोड़ा सा मतलब टाइट ही लेग रूम मिलता है, बट ऐसा भी कुछ नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा टाइट लगेगा। ज़्यादा बड़े बड़े शूज़ पहन रखे हैं तो उस समय आपको जो लेग रूम है वो थोड़ा सा ऐसा लग सकता है भाई थोड़ा सा टाइट है। बाकी जो अंडर थाई स्पोर्ट है, सीट की विड्थ है और जो कुशनिंग है वो आपको अच्छी खासी मिल जाती है। और जो व्यू है गाड़ी के अंदर से वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा आ जाता है। अब गाड़ी के टाटा की किसी भी गाड़ी को आप बंद करोगे तो जो धड़ साउंड है आपको हर एक गाड़ी के अंदर सुनने को मिलेगी। अगर आप सेफ्टी को प्रायोरिटी देते हैं देन आपको टाटा की गाड़ी ही चूज करनी चाहिए। इनकी छोटी सी गाड़ी लेके बड़ी गाड़ी किसी को भी देख लो सब सेफेस्ट कार है। हार्ड प्लास्टिक का यूज़ मिलेगा इसके डैशबोर्ड की तरफ और जो जैसे डैशबोर्ड जो है ना वो थोड़ा सा ऐसे दिया जैसे बैसा रखा है तो देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिलता है। टू डिन का मी सिस्टम मिल जाता है, जैसे इसका टॉप एंड यूनिट आता है वहाँ पे आपको टच स्क्रीन डिस्प्ले मिल जाती है और मैनुअल क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है। टॉप एंड में जाहिर सी बात है ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आएगा। यूएसबी मिल जाती है, 12 वोल्ट का पावर सॉकेट मिल जाता है, 5 स्पीड गियर बॉक्स मिल जाता है, दो छोटे छोटे कप होल्डर्स मिल जाते हैं। बट इस गाड़ी के अंदर आपको आर्मरेस्ट अवेलेबल नहीं होता है। मेरा मानना ये है कि गाड़ी के अंदर सभी के अंदर आर्मरेस्ट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जैसे आप गाड़ी को ड्राइव करते हो तो एक फन के तरीके से ड्राइव करोगे, रिलैक्सिंग पोजीशन में गाड़ी को ड्राइव करोगे तो आपको और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। जैसे इस साइड अपना हाथ को आराम से रख दिए देन आप गाड़ी को ड्राइव करोगे तो चलाने का एक अलग ही मजा आएगा। बाकी जैसे इन्हीं छोटी छोटी गाड़ियों के अंदर सारी चीज़ें देने लग जाएंगी तो इनकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो इस वजह से कंपनियां जो है ये सब चीज़ें नहीं देती है। इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो आपको डिजिटल के अंदर मिलता है, बेसिकली है तो एनालॉग के अंदर बट वो बार बार से शो करता है। जैसे इसका टैकोमीटर है वो आपको डिजिटल के अंदर मिलता है, जो स्पीडोमीटर है वो आपको फुली डिजिटल के अंदर शो करता है। इस गाड़ी के अंदर आपको पुश बटन पावर स्टार्ट नहीं मिलता है, इसके टॉप एंड वेरियंट के अंदर आपको पुश बटन पावर स्टार्ट नहीं मिलेगा। एयर के वेंट है उनके चार तरफ आपको क्रोम का यूज मिल जाएगा, म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल्स मिल जाएंगे, एक्सटी वेरिएंट के अंदर चारों पावर विंडो के स्विचेस मिल जाएंगे और जो ORVM है उनके कंट्रोल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और जो प्लास्टिक की क्वालिटी है वो आपको काफी ज्यादा अच्छी मिल जाएगी, स्क्रैची टाइप मटेरियल आपको इसके डैशबोर्ड के ऊपर यूज देखने को मिलेगा। तो गाड़ी के इंजन ऑप्शन की बात की जाए तो इसके अंदर आपको एक ही इंजन ऑप्शन मिलता है, 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन जो कि प्रोड्यूस करता है 84 PS ऑफ पावर। इसके यहाँ पे आपको इंसुलेशन भी प्रोवाइड हो जाएगी, तो इससे क्या है जो कैबिन के अंदर इंजन नॉइस है वो आपकी काफ़ी हद तक रिड्यूस होती है। अगर आपको गाइस टाटा की किसी गाड़ी से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है तो आप इस आर्या टाटा को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इनके गुड़गांव के अंदर दो शोरूम है, एक तो है सेक्टर 14 के अंदर और एक है गोल्फ कोर्स रोड के अंदर। तो इन शोरूम का जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आपके पास जो भी शोरूम पड़े आप वहाँ पे जाकर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ये आपको बहुत ही अच्छी तरीके से गाइड करेंगे आप इनको कॉन्टैक्ट करते हैं। तो गाइज इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, टेक केयर एंड बाय बाय।